हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू वेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ रेडमी 3S के लिए जो हैवोक ओएस का जो न्यू अपडेट आया है, न्यू रोम आई है, उसका रिव्यू करने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों इस ओएस के बारे में आपको सब जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरे पास जो मोबाइल है वो रेडमी का 3S प्राइम है। इस ओएस को आप रेडमी 3S और रेडमी 3S प्राइम दोनों पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस ओएस में आपको लेटेस्ट जो सिक्योरिटी पैच है वो मिल जाता है। और दोस्तों, ये हैवोक ओएस का अनऑफिशियल बिल्ड है, ये ऑफिशियल बिल्ड नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर मेरा जो कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा, यानी कि दोस्तों इसमें जो स्टॉक कैमरा इंस्टॉल आता है वो वर्क नहीं कर रहा ठीक से। आप चाहे तो दूसरा कैमरा यानी कि थर्ड पार्टी ऐप इस पर इंस्टॉल करके अपना कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो वोल्टी है वो ठीक से वर्क कर रहा है, पर शायद जो हमारा वीडियो कॉलिंग है वो शायद वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो कैमरा है उसका जो लिप फाइल है वो शायद मिसिंग है, इसलिए इसमें आपको वीडियो कॉलिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद दोस्तों, इसमें आपको GApps प्री इंस्टॉल नहीं मिलते, आपको जो है वो मैन्युअली डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे ही ये OS इंस्टॉल हो जाता है, आपको बाद में GApps को फ्लैश कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर फिंगरप्रिंट में मैं आपको बता देता हूँ, फिंगरप्रिंट जो है वो ठीक से वर्क कर रहा है। अगर दोस्तों आपको फेस लॉक का ऑप्शन चाहिए, यानी कि फेस लॉक आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको GApps का कोई भी पैकेज है उसको डाउनलोड कर लेना है, तो आपका फेस लॉक का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, पहली बार मेरा जो फिंगरप्रिंट है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, पर बाद में मैंने फिर से ट्राई किया तो हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो ठीक से वर्क करना लगा है। और दोस्तों, इस ओएस में अगर आप गेमिंग के लिए इस रोम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको लैग दिखेगा, क्योंकि मैंने इसमें पबजी को एक बार इंस्टॉल करके प्ले किया एक गेम, तो उसमें थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में जो गेम है उसमें थोड़ा सा लैग हुआ था, बाकी इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर दोस्तों, हमारा जो आइकॉन्स वगैरह है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिल जाता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि अगर आपको बैटरी सर्वर की ज़रूरत है तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन बार का या फिर कुछ भी चेंजेस करने हैं, जैसे कि USB टेस्टिंग, आपको PC में अपना मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो लगाना है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, आपको सेटिंग में जाके उसको मैन्युअली ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हैवोक ओएस के जो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि डबल टैप टू स्लीप, जैसे ही आप स्टेटस बार पे डबल टैप करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो स्लीप हो जाएगा, यानी कि आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो ये सारे फीचर आपको इस अनऑफिशियल बिल्ड में मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर जेस्चर की बात करते हैं तो जेस्चर में भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको अपने मुताबिक जो भी ठीक लगता है उसको सेटिंग वगैरह कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बैटरी सेविंग मोड भी मिल जाता है, यानी कि आपको अगर बैटरी के लिए बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं आप। और दोस्तों, यहाँ पर रिसेंट मेनू में आपको एंड्रॉयड गो का जो रिसेंट मेनू है वो भी मिल जाता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको एंड्रॉयड गो का जो रिसेंट मेनू है उसको सिलेक्ट करना है और थोड़ी देर में अपना जो मोबाइल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, रिसेंट मेनू आप देख सकते हैं थोड़ा सा अलग हो गया है, जो स्टॉक हमारा रिसेंट मेनू आता है उसका UI है उससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से 2-3 ऐप जो है उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड गो में इस तरह से जो है वो रिसेंट मेनू आया है, तो आप इसको भी अपने मोबाइल पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं विथआउट एनी जो हमारा एंड्रॉयड गो है उसको इंस्टॉल किए हुए। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको वापस से अपने स्टॉक रिसेंट मेनू में या फिर अलग आपको कुछ चाहिए, जैसे कि स्लिम ओएस का जो रिसेंट मेनू आता है उसको अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एड ऑन जो है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा, फ्लैश नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको सेटिंग में जाके यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो हमारा जो रिसेंट मेनू है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इसको रिस्टार्ट करेंगे तो वापस से आपका जो स्टॉक रिसेंट मेनू है वो आ जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपको प्री इंस्टॉल रूट नहीं मिलता, आपको मैन्युअली अपना जो रूट पैकेज है उसको फ्लैश करना पड़ेगा, तभी आप इसमें रूट एक्सेस ठीक तरह से कर पाएंगे। एक और बात है दोस्तों, कि मेरे जो एक सब्सक्राइबर उसने मुझे पूछा था कि पाई की SJSI इमेज में कौन सा वेंडर जो है वो बेस्ट रहेगा, तो हैवोक ओएस अनऑफिशियल का जो वेंडर है वो
अगर आप STSI इमेज इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मोबाइल पे तो Redmi 3S के लिए ये दोस्तों बेस्ट वेंडर है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो सारे इमेज STSI इमेज है GSI इमेज है वो आसानी से बूट अप हो जाती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो यहीं तक था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके कोई भी रिक्वेस्ट है या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।